एक और महिला इजरायली सैनिक पकड़ी गई। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिक को पकड़ा है, तो महिला सैनिकों को भी पकड़ा है हमास के लड़ाकों ने। और जैसा कि हम बता भी रहे थे आपको कि इजरायल एक ऐसा देश है जहां पर सिविलियंस को भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो भी समय पड़ने पर युद्ध के मैदान में जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, महिला सैनिक को, इजरायली महिला सैनिक को पकड़ा है हमास के लड़ाकों ने और जीप में बिठाते हुए उसे अपने कब्जे में लेते हुए और यहां से रवाना होते हुए देखिए चारों तरफ हमास के लड़ाके नजर आ रहे हैं और इसी गाड़ी में, इसी जीप में इस महिला इजरायली सैनिक को भी वो लेकर जाते नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही अलग अलग तरीके की अजीब अजीब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने टैंक से कैसे उस सैनिक को निकाला गया और ये जो तस्वीर है ये उस महिला सैनिक की है जिसको कब्जे में लिया गया, फिर उसको इस गाड़ी में बिठाकर ये हमास के लड़ाके लेके जाते नजर आ रहे हैं। दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध होता है लेकिन इसराइल और हमास, इसराइल की सेना और हमास के बीच की जो लड़ाई है, और देखिए यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही रवि, इसका तुरंत रुख कर रहे हैं। हमास के हमले में 22 इसराइली सैनिकों की मौत हो गई है, 500 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, यह अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। 22 इसराइली सैनिकों की मौत और 500 से ज्यादा घायल जो है उन्हें अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। 100 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है जो इस वक्त की इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। यानी कि एक बड़ा नुकसान इन हमलों में जो कि वेल कोऑर्डिनेटेड था उसमें उठाना पड़ा है इसराइल को। अगली बड़ी खबर, हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना ने खोला मोर्चा। इजरायली सेना और आतंकियों के बीच भीषण जंग, दोनों तरफ से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों का आमना सामना और दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलियां बरसने की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। आमने सामने हैं दोनों गुट, एक तरफ से इजरायली सेना, दूसरी तरफ से हमास के जो ये लड़ाके हमास के आतंकी है वो नजर आ रहे हैं। और लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए किस तरीके से ये हमास का अटैक हुआ, उसका एक और वीडियो सामने, ये देखिए ये जो रॉकेट की बात कर रहे हैं, रॉकेट से अटैक का एक और वीडियो सामने आया। हजारों की संख्या में रॉकेट दागे गए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में, और उसकी तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं। ये वही रॉकेट्स हैं जो इसराइल के शहरों में गिरे हैं, तबाही मचाई है और उसके बाद से इस युद्ध का आगाज हो गया है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है हमास के आतंकियों ने, बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए जो हम बता रहे थे, कितना कोऑर्डिनेटेड अटैक था ये, समंदर के रास्ते घुसे आतंकी, सड़क के रास्ते से हमला किया और आसमान से एक के बाद एक हजारों रॉकेट फायर किए गए। तीन तस्वीरें, इसराइल पर तीन तरफा हमला हमास के आतंकियों का। तो लगातार ये तस्वीरें वॉर जोन से सामने आ रही हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों पर हम गौर करते हैं सुमित, इन तस्वीरों को देखें हम कि समंदर से आए, सड़क के रास्ते आए, आसमान से हमला किया, पैराशूट से भी आए, बड़ी तैयारी दिख रही है, साफ नजर आ रहा है कि तैयारी भी। और क्या आपको ये लग रहा है कि कहीं कोई और इनको ट्रेन और गाइड कर रहा है, कोई 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 आर्मी के प्रोफेशनल्स किसी दूसरे देश के, क्या हो सकता है? ये तो तय है कि ये हमास की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है जो उनको बहुत अच्छे वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से दिखाई गई है, समझाई गई है, सिखाई गई है और उसी के बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया है। और देखिए सरप्राइज एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, और लेकिन आर्मीज को ट्रेन किया जाता है कि वो सरप्राइज एलिमेंट को काउंटर करने के लिए तैयार रहे, लेकिन यहां पर इसराइल के पास वो काउंटर मेजर्स नहीं थे। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्होंने कल्पना ही नहीं की हमास के पास ये ट्रेनिंग होगी। ठीक है, देखिए सुमित एक और बड़ी खबर आ रही, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। खबर क्या है, इसराइल में आसमान के रास्ते घुसे लड़ाके पैराशूट के जरिए हमास के लड़ाके कैसे घुसे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए यही बड़ी बात है, जो पैराशूट के जरिए घुसे, और जैसा अभी हमारे साथ सरदाना सर भी बता रहे थे कि ये जिस तरह से दाखिल हुआ है इसराइल के अंदर, ऐसे में तमाम जो रेडार सिस्टम है वो भी उसको चकमा देते हुए हमास के आतंकवादी इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद हमलों को अंजाम देते हैं।